जय हिंद दोस्तों, यूट्यूबर विवेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक। दोस्तों आज का यह मेरा वीडियो हैंडसम नाविद और उपदेश राणा पे है। तो उपदेश राणा और हैंडसम नाविद का अगर आपको जानकारी है तो ठीक ठीक नहीं तो मैं आपको समझा देता हूं कि काफ़ी दिनों से इन लोगों का सिलसिला चला रहा है दुबई चैलेंज। इसके पहले बाघा बॉर्डर चैलेंज था, अब दुबई चैलेंज आ गया जो कि कहीं कोई जाता नहीं है। तो इस बार उपदेश राणा और हैंडसम नाविद में कुछ कड़ी जंग छिड़ी और इन्होंने बोला कि तू दुबई पहुँच, मैं दुबई पहुँचूंगा 48 घंटे में, उपदेश राणा ने बोला। तो हैंडसम नाविद दुबई पहुंच चुका है, उसने कल एक वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड की और बोला मैं दुबई पहुंच चुका हूं, अब तू दुबई आ। तो दोस्तों देखते हैं कि वो दुबई आता है या नहीं आता है। उपदेश राणा, मुझे जहां तक उम्मीद है कि उपदेश राणा 101% जाएंगे। और हैंडसम नाविद, अगर तुम यह सोच के दुबई गए हो कि वहां पे तुम बच जाओगे या फिर तुम्हें जान को खतरा हो ऐसा वैसा ना, तो पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अपने जो इंडिया वाले ना दिल के साफ होते हैं, किसी दुश्मन को भी प्यार से पालते पोसते हो, तुम तो उनके साले हो किंग के, उपदेश राणा के। तो सोचो तुम्हें कितना स्वैग से रखेंगे। खैर छोड़ो इन सब बातों को, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं तुमको समझा दूँ हैंडसम नाविद कि तुम्हारा बढ़िया हुआ पंगा तुम्हारा हिंदू शेर बॉय से नहीं पड़ा, हिंदू शेर भाई उर्फ सुरेश भाई। अगर सुरेश भाई से पंगा पड़ जाता तो शायद तुम्हें पाकिस्तान में भी जीना दुश्वार हो जाता। देखो दुबई तुम लोग पहुँच रहे हो, मुझे डर लग रहा है कि पीछे से हिंदू शेर बॉय ना पहुँच जाए, नहीं तो तुम लोगों की तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी। तो हैंडसम नाविद, पता है तुम्हें पूरे जितने तुम्हारी पूरे पाकिस्तान की जनसंख्या ना, उतने तो हमारे बनारस की जनसंख्या है, सिर्फ बनारस, इंडिया के बनारस। सोचो पूरा इंडिया मिला देंगे तो तुम्हारा पाकिस्तान कहाँ जाएगा। अब जितनी तुम्हारी पाकिस्तान है उतने में तुम्हारे इंडिया की टॉयलेट बन जाती होंगे, और जो तुम्हारे पानी की कमी है वो इंडिया वाले ही दूर कर सकते हैं। और तुम हमारे जो इंडिया वाले बोलते हो ना कि इंडिया के घर में टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट नहीं, एक दिन सर्वे करूँगा पूरा, अगर घर घर जाकर सभी से पूछूँगा कि आपके घर में टॉयलेट है, अगर रहेगा तो साले तुम्हारी लोग को आके साफ करना पड़ेगा। और जो कह रहे हो कि इंडिया में टॉयलेट नहीं है, भाई कोई ऐसा घर नहीं जिसमें टॉयलेट ना हो। हाँ तुम अगर पाकिस्तान की कहानी सुना रहे हो तो वो बात ही अलग है। और तुम लोगों की बकचोदी देख देख करके दिन प्रतिदिन बंदा उबिया जाता है, उबिया भी ना उबिया। तो दोस्तों आप लोगों का काफ़ी कमेंट आता है कि तुम व्यूज़ और सब्सक्राइबर पाने के लिए देश विदेश को लड़ाते हो, पाकिस्तान इंडिया में दरार लाते हो। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो तुम्हारा पाकिस्तान है वो आतंकवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक, तो इसमें मेरी क्या गलती है। और तुम लोग अपनी बर्बादी खुद करते हो, खुद बर्बाद करते हो अपना, हमें मत बोलो। और रह गई हमारी बात, तो हमारे इंडिया को कोई गलत बोलेगा तो मैं नहीं सहन करूँगा। मालूम है तुम भी हमारे पे वीडियो क्यों बनाते हो, क्योंकि तुम, मैं तुम्हारे पाकिस्तानियों को बोलता हूँ, और मैं सारे पाकिस्तानियों को नहीं बोलता हूँ, मैं हर एक वीडियो में मैं ये बात बोलता रहता हूँ कि यह मेरा वीडियो सभी पाकिस्तानियों को नहीं, सिर्फ उन पाकिस्तानी कुत्तों पर जो हमारे इंडिया को या हमें गलत बोलते हो, ठीक है। हमारे पे भी कितने वीडियो आप एक बार सर्च करके देखो, यूट्यूबर विवेक हमारे नीचे जाके देखो, ना जाने आपको कितने वीडियो हमारे पे मिलेंगी। लेकिन मैं सभी वीडियो का रिप्लाई नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे रिप्लाई दूंगा ना तो फिर बंदा वो मेरे पे वीडियो बनाएगा, तो मैं उसे रिप्लाई देकर मैं उसे फेमस करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक वीडियो मैं तो बनाऊँगा, इन जो छोटे मोटे बच्चे जो आ गए ना इस समय यूट्यूब पे, कि यूट्यूब पे व्यूज़ पाने के लिए यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं, ये सब थोड़ी सी इन लोग को नॉलेज क्या हो जाती है ना, तो ये लोग यूट्यूब पे कूद जाते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुरंत पैसे मिल जाएंगे, भाई मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। वो अगर समझदार हो तो समझ गए, नहीं समझे तो यार अनाड़ी तो पूरी दुनिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सुंदरा सोनिए सुंदरा।